हेलो दोस्तों, कुटकला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप श्री कृष्ण की जन्म स्थली यानी कि मथुरा की जेल किस तरीके से बना सकते हैं। उसके साथ ही मैंने आपको ये झांकी भी दिखाई थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं वासुदेव जी, देवकी मैया और बालकृष्ण और ये सैनिक भी बनाने सिखाऊँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब बनाना सिखाऊँगी। जेल बनाना सीखने के लिए आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और हाँ, आजकल चैनल पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसके लिए आप पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये एक बहुत छोटा सा कीरिंग, इसमें एक ये डॉल है, इससे मैं बालकृष्ण बनाऊँगी। एक ये और डॉल है, इससे मैंने देवकी को बनाया है। एक ये काफ़ी लंबी सी डॉल मेरे पास थी, इससे कट करके मैं इसको वासुदेव जी का पूरा लुक दूंगी। और कुछ ये एक दो टूटी फूटी सी डॉल्स पड़ी थी, इन पर दूसरे डॉल्स के चेहरे लगाकर इनके मैं सैनिक बनाऊंगी। ये सभी डॉल्स बहुत ही सस्ती सी मार्केट से मैंने खरीदी हैं। तो ये पहले मैंने डॉल्स के चेहरे को अच्छे से ग्लू गन से चिपका लिया। तो सबसे पहले हम वासुदेव जी बनाएंगे। काफ़ी लंबे ये मुझे लग रहे थे, तो इसके लिए मैंने बीच में से इस तरीके से कटिंग करके इनकी हाइट को छोटा कर लिया है, लेग्स को इस तरीके से ग्लू गन से चिपका दिया है। अब सबसे पहले हमें इनका फेस का मेकओवर करना है। तो फेस पर मैं ये एक स्किन कलर का जो है एक्रेलिक कलर से पेंट कर रही हूँ। पेंट के सूखने के बाद जहाँ पर हमारी आईज़ होती हैं वहाँ पर हम वाइट कलर से इस तरीके से फिल कर देंगे। बालों को हमने ब्लैक कलर से पेंट कर लेना है, ब्लैक मार्कर से भी कर सकते हैं या फिर एक्रेलिक पेंट से भी कर सकते हैं। अब हमें आईज़ को थोड़ा सा डिफ़ाइन करना है, तो उसके लिए हम बहुत बारीक बारीक सी आउटलाइन इस तरीके से बना लेंगे आईज़ की, और बीच में आँख की पुतली बनाएंगे, आईब्रो बनाएंगे। अगर आपका हाथ ब्रश और पेंट पे बहुत अच्छा नहीं है तो आप ब्लैक मार्कर से भी ये काम कर सकते हैं, पतले वाला जो मार्कर आता है परमानेंट। और होठों पर हमने एकदम रेड नहीं देना है, क्योंकि ये हम मेल बना रहे हैं। हल्का सा ब्राउनिश टच में हमने इनके लिप्स बना दिए हैं और ब्लैक मार्कर से थोड़ी सी दाढ़ी। अब ये एक स्क्वायर कपड़ा लिया है और इसमें बस मैं ऐसे हल्का सा गले की कटिंग कर रही हूँ। अगर आपको सिलाई आती है तो आप एक अच्छा सा कुर्ता भी बना के सिल के इनको पहना सकते हैं, पर मैं आपको बहुत ही आसान और चलताऊ सा एक तरीका बता रही हूँ कि गले से आपने कटिंग कर ली और फिर देखिए इस तरीके से कुर्ते की कटिंग कर लेंगे। हम दोनों साइड से इस तरीके से कटिंग करेंगे और साइड साइड से कटिंग कर लेंगे, और बस फिर हमें इसको अपनी डॉल की बॉडी पर इस तरीके से चिपका देना है। क्योंकि ये एक फ़ीमेल डॉल है तो कमर पे से बहुत पतली थी, तो वहाँ पर मैंने एक पुराना कपड़ा जो है रैप कर दिया है। और ये देखिए इस तरीके से हमने आगे पीछे ये कुर्ते का कपड़ा चिपका दिया है। अब बना रहे हैं हम इनकी धोती, तो उसके लिए एक हमने रेक्टेंगुलर कपड़ा ले लिया है और उसको इस तरीके से चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद अब इसके आखिरी सिरे को पकड़कर इस तरीके से प्लीट्स बनाएंगे और ऊपर की तरफ इस तरीके से चिपका देंगे। क्योंकि हम ये जेल का सीन दिखा रहे हैं, तो चाहे वासुदेव जी हों चाहे देव की माता हों, उन्हें हमें बहुत ही सिंपल और सोबर सा रखना है। मतलब मैं अब ऐसा सोचती हूँ, तो इसलिए मैंने सिंपल सोबर सा उन्हें रखा है। तो ये देखिए, अब हम बस इनके कुर्ते को किनारे को फिनिशिंग टच देने के लिए वहाँ पर हल्का सा कोई गोटा या लेस लगा देंगे, और इस तरीके से हमारा ये धोती कुर्ता जो है बनके तैयार हो गया है। डायरेक्ट हमने इस पे चिपका दिया है। दाढ़ी को थोड़ा और रियलिस्टिक लुक देने के लिए यहाँ पर मैं चिपका रही हूँ ब्लैक कलर की ऊन, और उसको चिपकाने के बाद आप उसको एक अच्छी सी शेप में कट कर लीजिए। तो इस तरीके से हो गए हमारी दाढ़ी तैयार, और अब हम इनके गले में पहनाने का एक पटका तैयार कर लेंगे। ये कपड़े जो हैं बिल्कुल ही लेफ़्ट ओवर पीसीज हैं, नए नए कपड़ों के हैं वैसे, लेकिन टेलर के यहाँ से जैसे हम ले लेते हैं बचे हुए कपड़े, तो वो लेके मैंने ये किया है।
अब इनके बाल खोल देंगे पीछे से सारे, उनको भी मैंने ब्लैक कलर कर दिया है क्योंकि वासुदेव जी के बाल थोड़े इस तरीके के ही होते हैं, बड़े बड़े से, तो पीछे से बस मैंने इनको ऐसे ही छोड़ा है, तो काफ़ी अच्छा सा एक लुक आ गया। अब हमने जो छोटे सी डॉल में से की रिंग निकाला था उससे अब हम इनकी हथकड़ी बनाएंगे, उसमें इसमें से कट करके दो चूड़ी बन जाएंगी और बीच में चेन है ही, तो इस बहुत इजीली इससे आपकी हथकड़ी बन जाएगी। अगर आपके पास की चेन नहीं है तो आप तार से भी इसकी हथकड़ी जो है बना सकते हैं। और हथकड़ी लगाने से वासुदेव जी बहुत ही एकदम रियलिस्टिक लुक में लग रहे हैं। तो ये हो गए हमारे वासुदेव जी तैयार। अब हम करते हैं अपने बालकृष्ण को तैयार। तो उसके लिए हमने डॉल पे से सारे कपड़े उतार दिए हैं और इनको हम कलर करेंगे लाइट ब्लू कलर से पूरा का पूरा, और बाल की जगह हम ब्लैक कलर से पेंट कर लेंगे। यहाँ पर मैं सारे के सारे फेविक्रिल के कलर्स यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कंपनी के एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इनके बाल भी पेंट कर लेंगे, और आईज़ और लिप्स वगैरह आपको वैसे ही बनाने हैं जैसे मैंने वासुदेव जी के बताए हैं। अब एक चौकोर कपड़ा लेके इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है क्योंकि ये हम बिल्कुल न्यू बॉर्न कृष्णा बना रहे हैं, तो इसलिए बस ज़्यादा कुछ नहीं किया है मैंने, इस पर हल्का सा एक स्टोन लगा दिया है, और आप एक छोटा सा मोरपंख भी इनके यहाँ पर लगा सकते हैं। गले में एक छोटी सी चेन पहना दी है और नीचे दो ये देखिए गोटा पट्टी की लेस मैंने लगा दी है, तो ये हमारा इसी से ही बहुत ही सुंदर एक लुक आ गया है। अब यहाँ पर मैं देवकी मैया बना रही हूँ। जो देवकी मैया मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी वो कपड़ा तो मेरे पास ख़त्म हो गया, ना वैसी डॉल है, तो मैं दूसरी डॉल पर आपको बता रही हूँ कि साड़ी आप किस तरीके से बना सकते हैं। एक हमने रेक्टेंगुलर कपड़ा ले लिया थोड़ा सा लंबा सा, और इस तरीके से जैसे हम अपनी साड़ियाँ बांधते हैं उस तरीके से ही हम इनकी साड़ी बांधना स्टार्ट करेंगे। पर क्योंकि हमने यहाँ पर नीचे कोई पेटीकोट नहीं दिया है तो इसलिए चिपकाकर ही मैं इनकी साड़ी बना रही हूँ। अब बीच में हम यहाँ पर प्लीट्स चिपका चिपका कर इनकी बना देंगे। अगर आप चाहें तो पहले अपनी पूरी साड़ी में ऊपर नीचे जो है गोटा पट्टी वगैरह लगा सकते हैं, पर मुझे थोड़ी सोबर ही रखनी थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि ज़्यादातर जब पल्ला सिर पर आएगा तो ये सारी की सारी छुप जानी है। उसके बाद जो पल्ला सिर पर आने वाला है वहाँ से हम इसकी किनारी को मोड़ देंगे क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी लेस नहीं लगाना चाह रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर भी प्लीट्स दे देंगे जैसे कि हम अपने पल्ले में देते हैं प्लीट्स वाले, और उसके बाद इनका सीधा पल्ला जो है उसकी साड़ी हम पहना देंगे, वहाँ पर से भी हम इसको चिपकाकर अच्छे से प्लीट्स सेट कर देंगे, और उसके बाद हम पीछे के जो पल्ला है उसको इनके सिर पर रख देंगे। देवकी जी के फेस को भी हमें बिल्कुल उसी तरीके से तैयार कर लेना है जैसे हमने वासुदेव जी का फेस तैयार किया है, और हल्का बहुत सा जैसे मैंने गले पर यहाँ पर कोटा पट्टी की एक लेस चिपका दी है, आप चाहें तो बॉल चेन चिपका सकते हैं एक आध माला के लिए, और हल्की सी हाथ में चूड़ियों की जगह एक बॉल चेन को मैंने इस तरीके से लपेट दिया है क्योंकि ये एक फ़ीमेल डॉल है, तो हल्का सा फीमेल लुक देने के लिए बालों में थोड़े से लटे डाल दिए हैं और पल्ले को बिल्कुल इस तरीके से चिपका दिया है। तो इस तरीके से ये हमारी एक देवकी जी तैयार हो गई हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये वाली देवकी जी दिखाई थी, ये मैंने बिल्कुल एक कॉटन के कपड़े से इनकी साड़ी बनाई थी, और ये डॉल भी दूसरी थी तो उसका फेस का लुक थोड़ा अलग आ रहा है, लेकिन आपको बनानी बिल्कुल इस तरीके से ही है। अब ये एक और डॉल है, इसका हम सैनिक बनाएंगे। ये बहुत ही चीप आई थी डॉल, और इसको हम क्योंकि सैनिक बनाने वाले हैं तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कलर देंगे, तो मैंने स्किन कलर में हल्का सा ब्राउन कलर मिला लिया है और उसी से हम इसके फेस और हाथों को पेंट कर लेंगे। और क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इसने एक कुर्ते जैसा पहना हुआ है और हमें आगे इसके अभी एक और चीज़ लगानी है तो ज़्यादा दिखेगा नहीं, तो इसलिए बस मैं केवल इसकी पैंट बना रही हूँ। पैंट भी बस इस तरीके से बनानी है कि आपको दो कपड़े लेके और इसके पैरों पर चिपका देने हैं। अगर कुर्ता आपकी डॉल ने नहीं पहना है तो आप वासुदेव जी की तरीके से इनको भी कुर्ते पहना सकते हैं, और उसके बाद आप आगे का काम करें जैसे बाल इनके ब्लैक कर देने हैं और हाथ का कलर इनके फेस के कलर से मिक्स करता हुआ इनको पेंट कर देना है, और ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा मेल वाला लुक आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको सोता हुआ जो है पहरेदार दिखा रही हूँ, तो जैसे हमने औरों में वाइट कलर किया है तो यहाँ पे हमने ब्राउन कलर कर दिया है। आईब्रोज़ में हम वही ब्लैक कलर करेंगे, बीच में एक ब्लैक कलर का टीका लगा दिया है, और हल्की हल्की सी आईलैशेज़ इनकी इस तरीके से बाहर निकालेंगे, और फिर ऊपर और नीचे बहुत ही हल्की हल्की सी ब्लैक कलर की आउटलाइन दे देंगे, तो उससे बिल्कुल ही एक सोता हुआ लुक आ जाएगा बहुत ही सुंदर सा।
ये देखिए, और फिर बाद में हम इनकी मूछें वगैरह भी बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इनका श्रृंगार करेंगे तो उसके लिए मुकुट बना देंगे। यहाँ पर मैंने ग्लिटर शीट का यूज़ किया है। ये झांकियाँ बनाने में मैं डॉल्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए कपड़े वगैरह या मुकुट वगैरह जो भी अवेलेबल सामान है घर पे उसी से बना रही हूँ। गोल्डन कलर की शीट पर हमने इस तरीके से ये एक शस्त्र ड्रॉ कर लिया है और इसको फ्रंट में इस तरीके से चिपका देंगे। अब इसके कुर्ते की जो फिनिशिंग टच है वो भी मैंने ग्लिटर शीट की पट्टियाँ काट के, और जैसे इनके कंगन वगैरह हैं वो सब भी ग्लिटर शीट से बना दिए हैं। कानों पर मैं यहाँ पर मेरे पास ये गोल्डन कलर के मोती थे तो वो लगा रही हूँ। अब मैं बनाने वाली हूँ इनकी मूछ। मूछ बनाते ही आप देखिएगा एकदम से ही लुक चेंज हो जाता है, और एक बड़ा सा मस्ता मैंने इसके गाल पर बना दिया है। लग रहा है ना एकदम मोटू सा पहरेदार, और नीचे पैरों में ऐसा लगे कि जैसे इन्होंने चप्पल या जूते पहने हैं, तो उसको हम ब्लैक कलर कर देंगे और पैंट पे भी थोड़ा सा ग्लिटर शीट की आउटलाइन दे देंगे। तो इस तरीके से ये सोता हुआ पहरेदार बन गया, और इसके हाथ में हम ऐसे भाला पकड़ा सकते हैं। तो जब हम दूसरी झांकी बनाएंगे जिसमें वासुदेव जी कृष्ण को लेकर कारागार से बाहर आ गए हैं, तो उसमें आप ऐसे सैनिक बना सकते हैं। और ये इसके लिए भाला बनाने के लिए बस आपको ग्लिटर शीट ऐसे चिपकानी है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, ये जागा हुआ सैनिक है जो उस झांकी में था। इसमें आपको आईज़ बिल्कुल वैसे ही बनानी है जैसे हमने वासुदेव जी की या कृष्ण की बनाई थी। तो ये हो गई हमारी झांकी तैयार, और उसके सारे के सारे कैरेक्टर्स भी हमारे तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब लेते हैं झांकी का आनंद। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय।